लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राज? यस? राज कहाँ है? कौन राज? राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा? तुम राज मल्होत्रा को नहीं जानती? जानती हूँ, वो मिस्टर चौटानी के दोस्त हैं। करेक्ट, वो कहाँ हैं? पता नहीं, अपने घर पे होंगे। होल्ड इट, तो फिर ये किसका घर है, यहाँ कौन रहता है? यहाँ बैरिस्टर मिस्टर राम चौटानी रहते हैं। हा? राम चौटानी? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ रहता हूँ? मैं 13 नंबर के बंगले में खाता हूँ, सोता हूँ, उसके फोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, म्यूनिसिपल टैक्स भरता हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। आप मिस्टर राम चौटानी हैं? जी, और मैं यहाँ नहीं वहाँ रहता हूँ, यहाँ पे राज मल्होत्रा रहता है। एनीवे, कल रात वो मेरे घर से लॉ की कुछ किताबें लेकर आया था, मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ, एक क्लाइंट आ गया है। ले लो। थैंक यू। ओ माय गॉड, ये देखो रद्दी के पेपरों के साथ लॉ की किताबें रखता है और तुम उसे बैरिस्टर राम चौटानी समझ रही हो। वाह, वंडरफुल, नाइस टू मीट यू। रिलैक्स। मेरा एक दोस्त है राज मल्होत्रा। राज एक इंजीनियर है, उसने सोचा एक नौकरानी रख लूं, यानी कि हाउसमेट। अब एक लड़की आई और राज ने उसे रख लिया। तुमको मालूम है ना क्या क्या करना है? ये जो केस है, इसके बारे में अपने दिमाग से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी सोचना। दरअसल वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगी, उसे लगा कि अगर वो इस घर में आ जाए तो ये घर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब लव एट फर्स्ट साइट। एग्जैक्टली, लव एट फर्स्ट साइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया। आज अपना घर लग ही नहीं रहा। सुबह से ना कोई क्लाइंट आया ना कोई फोन कॉल्स। फ्री थी तो सोचा क्यों नहीं घर की सफाई कर लो। लगता ही नहीं ये बैचलर का घर है। हाँ। सर, आपका कोर्ट में केस था, उसका क्या हुआ? कौन सा केस? हाँ, वो केस। हाँ, वो मेरे क्लाइंट को डिग्री मिल गई और तुम तो जानती हो हारने का तो सवाल उठता नहीं। मेरी दलीलों ने सरकारी वकीलों की बोलती बंद कर दी। जज साहब खुश हो गए, कहने लगे भैया मेरी कुर्सी पे तू बैठ जा। मैंने कहा क्यों सर, जूनियर का मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा, वो मैंने तुम्हें अपने दोस्त के केस के बारे में बताया था, तुमने कुछ सोचा? अच्छा, वो केस। सर, उस केस में मैंने दिल और दिमाग दोनों से सोचा। बहुत प्रॉब्लम है, वो लड़की फ्रॉड का केस कर सकती है। सर, आपके दोस्त राज मल्होत्रा के बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या? कोई रास्ता नहीं? सर, कोर्ट में तो नहीं। हाँ, अगर कोर्ट के बाहर सुलह हो जाए तो अलग बात है। वो कैसे? देखिए, लड़कियों को सच बोलने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप अपने दोस्त से कहें कि उस लड़की को सब कुछ साफ साफ बता दे तो उसे कुछ प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम है, बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। क्यों, गूंगा है? गूंगा नहीं है, हिम्मत नहीं है उसमें। अच्छा, अगर हिम्मत नहीं है उसमें तो एक काम कर सकते हैं, उसे कहिए कन्फेशन लेटर लिखकर दे दे, और ये काम आप अपने दोस्त के बिहाफ कर सकते हैं। ये सही आइडिया, वेरी गुड वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, कागज कलम लीजिए और लिखिए। जी, बैठिए, जल्दी बैठिए ना। मिस प्रिया, प्रिया जी, उसका भी नाम प्रिया ही है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी नजरें तुम पे आकर ठहर गई और मैं फैसला नहीं कर सका
कि तुम मेरे पास हाउसमेट के लिए आई हो या बैरिस्टर के सेक्रेटरी के लिए, बस मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। डरता था कहीं मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। शायद मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। सर, योर्स राज मल्होत्रा नीचे लिख दो। हाँ हाँ, राज मल्होत्रा लिख दो। तुम्हें क्या लगता है, वो लड़की जिस दिन खत पड़ेगी क्या वो रिजाइन करेगी या राज मल्होत्रा को अपना लेगी? अगर रिजाइन ही करना होता तो आज जब बैरिस्टर मिस्टर राम चौधरानी अपनी किताबें लेने आए तो मैं उनके साथ चली गई होती। यहां बैठकर राज मल्होत्रा का लव लेटर नहीं लिखती। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ मालूम है? हाँ। I just can't believe you. I love you, Priya. I love you. You too. You've given me everything in my life. अब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ, लेकिन उसके लिए लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं, सीधे चलना है। कैसा लगा ये बंगला? बहुत खूबसूरत है ना? आओ। अब बताओ यहाँ से ये बंगला कैसा लग रहा है? Very beautiful. लेकिन ये बंगला है किसका? अभी तो ये बिल्डर का है, लेकिन एक दो दिन में हमारा हो जाएगा। क्या? ये बंगला हम खरीद रहे हैं? क्यों? मुबारक हो राज, तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया है। hey! अब एक दो दिन में तुम इस बंगले का पोजीशन ले सकते हो। ये लो पेपर्स। बाय द वे, माय वाइफ प्रिया। हेलो। हेलो प्रिया, दिस अमर, एंड अमर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, HDFC में मैनेजर है। इन्होंने हमारा लोन सैंक्शन करवाया। भाभी जी, बताइए आपको ये बंगला कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। गुड। अच्छा राज, मैं चलता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय। बाय। राज, ये बंगला कितने का है? 3 करोड़ का है। 3 करोड़? लेकिन राज, तुम्हारी पूरी सैलरी तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में चली जाएगी। प्रिया, 3 करोड़ का लोन नहीं लिया मैंने। जिंदगी में मैंने कुछ सेविंग की है जो एडवांस के तौर पे बिल्डर को दे चुका हूँ। मतलब तुमने अपना पूरा बैंक बैलेंस, सैलरी, सब कुछ उस बंगले में डाल दिया है? तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है। देखो, अगले हफ्ते हमारे कंपनी का एनुअल डे है, उस रोज मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी, यानी कि राज मल्होत्रा CEO बन जाएगा। What? Yes, और 4 गुना ज्यादा हमारी तनख्वाह हो जाएगी। और वैसे भी कंपनी के अंदर मेरे कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी सरप्राइज है राज। लेकिन आज सुबह जो तुमने मुझे सरप्राइज दिया है उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है। आई लव यू प्रिया। कॉन्ग्रेट्स सर, आज तो आप CEO बन जाएंगे, पार्टी देंगे ना? ले भाई, गांव बसानी है, लुटेरे पहले आ गए। अरे चेयरमैन तो आ जाए, अनाउंसमेंट तो हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। ओए, थैंक यू। वेलकम सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। आइए मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज से 5 साल पहले वॉयस मोबाइल का जन्म हुआ था। पूरे रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से वॉयस मोबाइल कंपनी की इस 5वीं सालगिरह पर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का एनुअल डे सेलिब्रेशन
वॉयस मोबाइल के जन्मदिन की तरह मनाया जा रहा है और इस जन्मदिन पर कंपनी आपसे आपकी परफॉर्मेंस का गिफ्ट लेगी और आपको प्रमोशन का गिफ्ट देगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन दो खास शख्सियतों से करवाना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप स्वागत करेंगे। सबसे पहले माय न्यू वाइफ मिसेस सोनिया रॉय। भाई मेरे, कन्या तो इनकी वाइफ निकली, मैं समझ रहा था इनकी पोती है। और दूसरी शख्सियत है इस कंपनी की न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, अगेन मिसेस सोनिया रॉय। अब मिसेस सोनिया रॉय प्रमोशन अनाउंस करेंगी। थैंक यू। कम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको वॉइस मोबाइल की 5वीं सालगिरह मुबारक हो। मिस्टर भागवत, करेक्ट, जूनियर स्टाफ की प्रमोशन लिस्ट उनके डिपार्टमेंट हेड्स को भेज दी गई है और इस साल के 3 मेजर प्रमोशंस हैं। पहला प्रमोशन सीनियर सेल्स ऑफिसर की पोस्ट का है, जो मिस्टर अशोक वर्मा को जाता है। दूसरा मैनेजर ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, जो जाता है मिस्टर रमेश दीवान को। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल का तीसरा और आखिरी प्रमोशन, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO के पोस्ट का है, जो जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिस्टर राकेश शर्मा को। कांग्रेट्स। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक खास अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नया नाम शामिल किया गया है और वो लकी नाम है मिस्टर राज मल्होत्रा का। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई होप टू सी यू एट द पार्टी टुनाइट। बाय बाय। कम डार्लिंग। एक मिनट, मजा आ गया यार। हेलो सर। हेलो। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे इतनी बड़ी पोस्ट देंगे। थैंक यू का हकदार मैं नहीं, मेरी वाइफ है, ये इनका डिसीजन है। थैंक यू वेरी मच मिसेस रॉय। कॉल मी सोनिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि जो परफॉर्मेंस तुम्हारी पहले थी वो फ्यूचर में भी रहेगी और तुम मुझे और इस कंपनी को उसी तरह सैटिस्फाई करोगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सी यू एट द पार्टी यंग मैन। कम। खन्ना साहब, आदमी के पास दिमाग हो ना तो वो अपना दर्द भी बेच सकता है। वो दर्द जो लोग खरीदना तो दूर, उसे मुफ्त में लेना भी पसंद नहीं करते। और बिजनेस दिमागी खेल के सिवा और है क्या? जिस बिजनेसमैन के पास दिमाग नहीं है वो कंपनी तो दूर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन फीस भी डुबो देगा। हाय राज। हाय। माय वाइफ प्रिया, आवर न्यू एमडी सोनिया। हेलो। तुम्हारी वाइफ वाकई बहुत खूबसूरत है राज। Thank you very much. Good evening, sir. Good evening, Raj. Good evening. Sir, मेरी बीवी प्रिया, हमारे कंपनी के चेयरमैन मिस्टर रॉय। Hello. Hello. Nice meeting you. Thank you. Enjoy the party. Thank you, sir. Darling, आओ मैं तुम्हें अपने पुराने दोस्तों से मिलाऊं। Excuse me. Raj, ये मिस्टर चेयरमैन ने सोनिया को डार्लिंग क्यों कहा? क्योंकि उनकी पत्नी है वो। What? ये दोनों पति पत्नी है?
तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे तो पापा लगते हैं। Cheers! Cheers! Cheers to the new director on the board of directors. And cheers to the new CEO. Thank you. All right. ये राज, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया एमडी पर कि उसने कंपनी के सीईओ के बजाय सीधा डायरेक्टर बना दिया? भाई अपनी पर्सनालिटी है, उसका जादू है, चल गया चल गया। क्या फिगर है यार, ना एक मिलीमीटर इधर ना एक मिलीमीटर उधर। ऊपर वाले ने भी कोल्ड कॉफी पीते हुए बनाया होगा ये गर्मा गर्म पीस। छोड़ ना यार, क्या बातें लेके बैठ गया तू भी। अच्छा चलो भाई, मुझे तो ये सोनिया बहुत ही सेक्सी और अट्रैक्टिव लगती है, तुझे नहीं लगती? नहीं नहीं सच बोल। लगती है लेकिन अपने बॉस की बीवी है यार। यही तो रोना है राज, कि ये 70-75 साल के बुढ़े की बीवी है। अरे को जाके इनको बताओ कि 70 साल के बाद तो इन पे वायग्रा भी असर नहीं करने वाली। क्या बातचीत चल रही है भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। राकेश आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी तारीफें कर रहा था। मेरी तारीफें कर रहा था? मैं क्या बोल रहा था, तू भी यार बस। अरे बता ना सर से क्यों शर्माता, बता। नहीं सर, मैं तो ऐसे बकवास करता रहता हूं। भाई क्या बकवास कर रहे थे, जरा हम भी तो सुने। सर मैं तो बस बोल बोल। बोलो बोलो। सर मैं तो कह रहा था कि आपकी और मिसेस सोनिया की जोड़ी कमाल की जोड़ी है। ये बकवास है? नहीं, आई मीन टू से सोनिया जी सो ब्यूटीफुल है। और मैं? आप तो सर बहुत ही ग्रेसफुल हैं और बहुत ही एनर्जेटिक हैं और बहुत ही यंग हैं सर। मतलब अभी तो कम से कम 30-35 साल लगेंगे आपको 100 साल का होने में। हाँ